अपने फ्रेंड्स कैसे आप लोग? तो फ्रेंड्स, आपको पता है कि कल मैं हॉस्पिटल थी, मैं नाइट में घर पे आ गई थी। तो अभी मुझे मॉर्निंग के 5:30 ऊपर दिखा है कॉल कि फटाफट आ जाओ, कुछ बताया नहीं उसने, मुझसे बोला बस आ जाओ। तो मैं जल्दी फटाफट जा रही हूँ, सोच मुझे छोड़ देंगे। सो फ्रेंड्स, सोच मुझे छोड़ देंगे, फटाफट जाती हूँ, कपड़े वपड़े चेंज करती हूँ, क्योंकि उसका फ़ोन आया है, पता नहीं क्या इमरजेंसी आ गई, क्योंकि रात को लोगों ने सीजेरियन के लिए बोल दिया था, तो शायद कहीं सीजेरियन ना हो, बट भगवान ऐसा कुछ ना हो। तो चलिए फिर हॉस्पिटल में मिलते हैं। सो फ्रेंड्स, मैं हॉस्पिटल पहुंच चुकी हूं और हमारे घर में एक छोटे से कान्हा जी ने जन्म ले लिया है। मैं जैसे आई उसी टाइम बेबी हो चुका था और आई एम सो हैप्पी। और फ्रेंड्स, सीजेरियन नहीं हुआ, आप लोगों की कृपा से और भगवान की कृपा से बच्चा बिल्कुल नॉर्मल हुआ है और दोनों के दोनों बहुत ही स्वस्थ हैं। थैंक यू सो मच। देखा, डॉक्टर नहीं आई है तो खुश नहीं हुई? ये खुश नहीं है, लड़की चाहिए। मैंने तो उसने देखा भी नहीं इसको, ये बदतमीज है, देखो उसे। मैंने देखा छोटा सा, मुझे तो बिल्कुल भी प्यार नहीं आ रहा अंदर से। ऐसे करते बच्चे बेवकूफ़ कहेंगे, पागल है। लड़की चाहिए थी मुझे, इसको लड़की चाहिए थी। सो फ्रेंड्स, देखा को तो गुस्सा आ रहा है, इस लड़की चाहिए थी, मुझे तो बड़ा प्यार आ रहा है। अच्छा, एक लड़की की जरूरत थी, ज्यादा स्पष्ट आएगा तो लड़का क्या करूंगी मैं इस लड़के को लेके। ये हो गई पागल, क्योंकि इसके टाके से दिमाग में लग गए। और क्या सही से हो गई? ये तो देख कितनी तकलीफ हो रही थी, सबके बेटे थे ये इग्नोर, बट कोई बात नहीं, पहला बेटा है ना इसका, एक लड़का तो इसे बेटी चाहिए थी। टीवी क्यूट सा है, जाती थी ऐसे बोलता है कि लड़का। तो मम्मी ने भेजा चाय नाश्ता और मम्मी ने भेजा शहद, तो बुआ शहद चटाती है, तो मैं से शहद चटाऊंगी और ये मुझे देगी नेक शहद चटाने का। मुझे देना पड़ रहा सारे गार्डों को पैसा, देख रहे हो तुम लोग? मेरे को तो बच्चों में एटीएम लेकर आई हुई हूँ, मम्मी को पूछ लो बच्चे को चटाना। और क्या, बच्चे को चटाना होगा। चलो फिर मैं बच्चे को चटाती हूँ। आधा दिख नहीं रहा, हाथ दिख रहा है बस। दिख रही है? बस थोड़ा सा मैं शहद चटा दिया। रेखा सामने से आ रही है। तो भाई बड़े देर बाद, कितने घंटे बाद? 3 घंटे 4 घंटे बाद प्रदीप अब देख रहा है बच्चे को। सो फ्रेंड्स, फाइनली भगवान की कृपा से 2 दिन बाद रेखा घर पे आ चुकी है, अब उसका स्वागत होगा, वेलकम होगा। तो ये उतर रही है गाड़ी से और देखिए फिर कैसे बेबी का मम्मी वेलकम करती है। मम्मी यहाँ पे बेबी के अभी वेलकम करेगी, उसकी आरती उतारेगी। तो फ्रेंड्स, फाइनली हमारा कान्हा घर पे आ चुका है और अब हमेशा खूब प्यार करते हैं। रक्षा, और कल तो है रक्षाबंधन, इसको बंधेगी राखिया। आना कैसे लग रहा है आपको? तो आना को पकड़ा देते हैं। सो फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं आपसे कल एक नए ब्लॉग के साथ। जब तक के लिए बाय बाय।